कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर हैं। मणिपुर के जीरीबाम में राहुल गांधी रिलीफ कैंप पहुंचे। इस दौरान राहुल ने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। लोगों ने राहुल गांधी के नारे भी लगाए। भैया मेरे मुंह में मत मारिए। जी जी नहीं सर, राहुल जी दो शब्द। राहुल जी आज मूवमेंट थी सर। राहुल जी आप फिजिक। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के दौरे की राजनीतिकरण बताया है और कहा कि मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, वहां पर सभी को मिलकर शांति का प्रयास करना चाहिए। भैया मेरे मुंह में मत मारिए। जी नहीं सर, नहीं मारिए सर। राहुल जी दो शब्द। राहुल जी आज मूवमेंट थी सर। मणिपुर एक संवेदनशील विषय है, वहां पर सबको मिलकर शांति का प्रयास करना है। राहुल गांधी इसका राजनीतिकरण करते हैं। वहां मलहम लगाने की जरूरत है। वहां पर अमित शाह जी कितने दिन रहे, वहां राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय कितने दिन रहे, हमेशा पूरे मणिपुर पर मलहम लगाने की कोशिश की जा रही है। जब भी चीजें ठीक होने की कोशिश होती है, क्या राहुल गांधी तनाव बढ़ाने का काम करते हैं? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर बीजेपी के तंज पर पलटवार करते हुए कहा, पीएम मोदी के मॉस्को दौरे पर ही सवाल उठा दिए। बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री मॉस्को जा रहे हैं, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में है, वो मणिपुर गए हैं। ये तीसरा दौरा है उनका मणिपुर में, तीन बार जा चुके हैं, ये तीसरी बार ही है। और ये दिखाता है, और पिछले 17 महीने में प्रधानमंत्री ने मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं, मणिपुर के मुख्यमंत्री से नहीं मिला, मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिले हैं, सांसदों से नहीं मिले हैं, विधायकों से नहीं मिले हैं, और मणिपुर तो गए ही नहीं, कुछ 4-5 घंटे के लिए भी नहीं गए हैं।